आपको बता दें गहलोत मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण शाम 4 बजे होगा। शपथ लेने वाले मंत्री दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे पीसीसी मुख्यालय। सभी एक साथ बस में सवार होकर पीसीसी मुख्यालय पहुंचेंगे। आपको बता दें पीसीसी मुख्यालय से तिलक लगाकर शपथ लेने वाले मंत्रियों को रवाना करेंगे। बस से ही राजभवन के लिए होंगे रवाना। पीसीसी मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी पीसीसी मुख्यालय पहुंचेंगे। तो चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ पिंटू सिंह नेरुका हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। जी पिंटू, देखिए आज शाम को गहलोत मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा, अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? साल से लगातार इस बात का इंतजार था, लगातार कई तारीखें मीडिया के द्वारा चलाई गई और कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कब मंत्रिमंडल का फेरबदल और विस्तार होगा। आखिर वो आज तारीख आ गई और आज शाम 4 बजे राजभवन के अंदर जो गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनकी नई टीम, उनके 15 मंत्री आज शपथ लेंगे, 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री के पद की शपथ लेंगे। लेकिन शपथ से पहले जो मंत्री की आज शपथ लेने वाले हैं, जो 15 नए मंत्री जो शपथ लेंगे, जिसमें 4 का यहाँ पर प्रमोशन हुआ, कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे, वो तमाम मंत्री पीसीसी मुख्यालय पहुंचेंगे। 2 बजे एक बैठक रखी गई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रहेंगे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे और प्रभारी माकन भी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में जो नए मंत्री शपथ लेंगे उनको पार्टी की रीति नीति के बारे में बताया जाएगा। और एक हमेशा से एक परंपरा रही है, क्योंकि मंत्री विधायक बनने से पहले वो एक पार्टी का कार्यकर्ता रहता है, तो पार्टी क्योंकि वो सत्ता में जाता है, एक दोहरी जिम्मेदारी होती है। पार्टी की विचारधारा, जिस विचार को लेकर सत्ता में आते हैं, जिस विचार को लेकर वो जनता के बीच जाते हैं और जनता उस विचार को स्वीकार करती है, उसके बाद भी वो विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो उस विचार को नहीं भूले, उस विचार के तहत लोगों की मदद करे, जन सेवा का काम है, मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसी को लेकर ये बैठक रखी गई है। एक रीति नीति को लेकर एक संबोधन होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी संबोधित करेंगे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी संबोधित करेंगे, उसके बाद तमाम मंत्रियों को यहां पर तिलक लगाकर यहां से स्वागत करके उनको रवाना किया जाएगा राजभवन के लिए और राजभवन में शपथ ग्रहण होगी। लेकिन एक पूरी अगर पूरी बात की जाए तो यहां पर पीसीसी मुख्यालय के बाहर जिस प्रकार से लवाजमा लगा हुआ है, बड़ी तादाद में यहां पर पुलिस बल भी तैनात है, क्योंकि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और जो तमाम जो मंत्रियों की शपथ लेंगे, 15 जो नए जो विधायक हैं वो मंत्री की शपथ लेंगे, वो लोग यहां पर पहुंचेंगे और उसी के स्वागत को लेकर पीसीसी मुख्यालय के बाहर का ये नजारा है। जो तमाम सेवा दल के जो कार्यकर्ता है वो यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि थोड़ी देर में जो गहलोत सरकार की नई टीम का गठन होगा, नई टीम के जो मंत्री हैं वो यहां पर पहुंचेंगे, उनका स्वागत होगा, उनको पार्टी की रीति नीति को लेकर जो वरिष्ठ नेता है वो संबोधित करेंगे और फिर यहां से वो राजभवन जाएंगे। तो लंबे समय से इंतजार था कि आखिर किस प्रकार का फेरबदल होगा, किस प्रकार का विस्तार होगा, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज यहां पर आलाकमान ने भी देखने की कोशिश की गई कि किस प्रकार से तमाम जाति समीकरणों को साधने की कोशिश की गई और जातीय क्षेत्रीय और तमाम जो गुटों को साधने की कोशिश की गई। यहां पर जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी यहां पर धीरे धीरे पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और थोड़ी देर में 2 बजे का जो बैठक जी तो आपको बता दें शपथ लेने वाले मंत्रियों को